देखो और एक क्वेश्चन ऐसा आता आप लोग पॉली, ये कौन सा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ग्राफ आता आपको, ड्रा द ग्राफ ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलता, या तो गिवन इक्वेशन बोल के दे देता हूं 2x - 3y = 5 एंड 4x - 6y = 15। क्या दिया हमने पहले इक्वेशंस लिख लेना आप पर, गिवन पहला इक्वेशन क्या दिया हमने 2x - 3y = 5 और क्या दिया हमने 4x - 6y = 15। हो गया ना, अब भी अपन पॉलिनोमियल का कैसा कर रहे थे क्लास, इसमें भी सेम वैसे ही, पहले बॉक्स बना लो इसमें। फर्स्ट वाला इक्वेशन इसमें क्या है, दो इक्वेशन दिया, दो ग्राफ हमने दो क्या बोलते हैं, दो इक्वल क्या बोलते हैं बॉक्सेस बना लेके अपने को वैल्यूज निकालने का रहता है एक्स और वाई के, उसके बाद ग्राफ बना सकते हैं अपन। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के वैल्यूज निकाल लेंगे 2x - 3y = 5। हां ये चेंजेस मत कर लो, वैसे ही रख लो, डायरेक्टली हो जाता आपका। और इसमें जो है सो क्या बोलते हैं माइनस के वैल्यूज लेने का नहीं रहता अपने को, 1 2 3 4 5 ऐसा लेने का रहता है। माइनस अभी कैसा लिया था, -1 -2 -3 लिए पॉलीनोमियल में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अपने माइनस के वैल्यूज कुछ भी नहीं लेते अपन, 1 से स्टार्ट करते डायरेक्टली। तो क्या आ रहा है अपने जीरो से नहीं 1 से स्टार्ट कर रहा है, क्या ये एक्स ये वाई हो गया जीरो से, या तो जीरो से स्टार्ट कर लो, हाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 तक ले लेंगे। हाँ मोस्टली उसमें भी क्या कर रहे थे अपन, यहाँ 0 ले लेंगे, -1 -2 -3 1 2 3 ले रहे, 6 या 7 वैल्यूज लो, यहाँ पे भी 6 ले लेंगे 0 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का ना अपने को, क्या दिया लेट पहले तो इक्वेशन लिख लो आप, 2x - 3y is equal to 5, लेट x is equal to क्या ले रहे अपन पहली बार में 0, तो अब क्या आ रहा है y equal to बोल के लगा लो, हमें y is equal to 2 of x की जगह पे क्या लिखने का अपने को 0 0 - 3y is equal to 5 हो गया, 2 into 0 क्या आ रहा 0 - 3y is equal to 5, ऑलरेडी यहां 5 y है ना, अपने को y लेने की जरूरत ही नहीं है यहां पे, हां 0 - 3y = 5 - 3y is equal to 5 हो गया, y is equal to 5 by माइनस ये देखो यहां पे इनटू में वो से लिया तो डिवाइड में होता, डिवाइड में 3 खाली 3 लिख लेते, लेकिन यहां पे क्या है माइनस है, माइनस 3 लिख लो, हो गया 3 के टेबल में 5 जाता नहीं जाता ना, 3 के टेबल में 5 आता नहीं आता, लेकिन 3 से कम क्या आता, 3 1 3 3 1 3 3 बचा कितना 2 बच गया, इसके बाद पॉइंट लगा लो आप लोग यहां पे क्या लगा लेना 0, 3 के टेबल में 20 आता लेकिन 6 आता 3 6 18 आता, y की वैल्यू क्या है फर्स्ट टाइम 1.6 या माइनस था, अब ये वैल्यू क्या हो गई -1.6, तो -1.6 हो गया। नेक्स्ट वाला क्या है, x is equal to क्या लेना हमें 1, x is equal to 1, इक्वेशन फिर से लिख ले रहा हूं, कंफ्यूज हो रहे तुम ना, इक्वेशन नहीं लिख रहे, इक्वल टू 5, अब x की जगह पे क्या लिख लेना हमें 1, 2 of 1 - 3y is equal to 5, 2 1 जा 2, 2 - 3y is equal to 5, देखो ये प्लस 2 है, पहले किसकी वैल्यू होने का है, y की होने का है ना, बाकी पूरे चीजों को वो साइड भेज रहे हैं, पहले जो भी नंबर प्लस में है वो साइड भेज देंगे अपन माइनस में आता, ये प्लस 2 है वो साइड गया तो -2 -3y is equal to 5 -2 हो गया, -3y is equal to 5 में से 2 गया तो 3 y -3y है ना, अब इसको भेज देना भाई इनटू में है ना, यहां पे -3 है बल्कि बच्चे क्या करते हैं साइड ले जाकर इसको +3 लिख लेते, प्लस 3 नहीं लिखना अपन, y से इनटू में और इनटू में बोले तो वो साइड गया, तुमने क्या होता डिवाइड में होता, y is equal to 3 by minus 3, 3 1 3 1 कैंसिल, y is equal to 1 के माइनस से बोलके माइनस 1, तो 1 की जगह पे क्या आ गया माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट क्या है, अब क्या लेना आप में 2x - 3y is equal to 2 लेने का है, लेट x is equal to 2, तो क्या आ रहा है अपने को x is equal to 2 ले लिया तो 2 of 2 - 3y is equal to 5 हो गया, 2 2 जा 4 - 3y is equal to 5 हो गया ना, अब क्या है अपने के प्लस 4 को वो साइड भेजना ना, फर्स्ट स्टेप अपना यहां पे प्लस 4 है वो साइड भेज देना हमें फर्स्ट स्टेप में,
माइनस थ्री बचता क्या उसको भेज दे तो इन्हें बचे वाला था ना, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर हो गया। डाउट है किसी को कुछ भी? अब देखो माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव में से फोर गया तो कितना बचता? वन वन। अब देखो y is equal to ये माइनस थ्री इंटू वाई कहा जाता, माइनस थ्री कहा जाता डिवाइड में आ जाता ना, वन बाई माइनस थ्री आ गया। अब यहाँ पे देखो वन छोटा नंबर है, यहाँ पे थ्री बड़ा नंबर है, डायरेक्टली आता कैंसिल होता कुछ भी नहीं होता, तो इसके बाद क्या करते अपन जीरो लगा लेते। स्टार्ट कहाँ से करते कैंसिलेशन? जीरो पॉइंट से। थ्री वन जा थ्री, थ्री जा नाइन। और एक चीज, एक ही वैल्यू लिए तो बस है इसमें, तो दो वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को ग्राफ में जो है सो वैल्यूज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ 0.9 नंबर चला, 3 3 जाना है ना, तो अपने 3 लिखने का है ना। 3 के टेबल में 10 कब आता 10 नहीं आता, लेकिन 9 आता ना, इसीलिए 3 3 जा 9। यहां पे माइनस था बल्कि इसके सामने क्या आता? -0.3 आ गया। अब x की वैल्यू क्या लेना भाई? 3 लेना। P of क्या है x is equal to 3, तो क्या आ रहा है अपने को 2 of 0 की जगह पे क्या लिख लेना हमें खाली 3। यही वैल्यू बदलते जा रही है। हाँ तुम ना एक सही से कर लिए समझ जाओ, ये बाकी पूरे ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं आप लोगों के, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे वैल्यू बदल रहा हूँ मैं, होता है ना x की जगह पे वैल्यू बदल रहा हूँ। अब यहाँ पे चेंज करने का ना, वहाँ पे क्या लगाना है मैं 0 हटा के 3 लिख लेगा। 2 of 3 माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव, टू थ्री जा सिक्स, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव हो गया। अब सिक्स ये प्लस सिक्स वो सेट गया तो माइनस सिक्स, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव माइनस सिक्स आ गया। माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव में से सिक्स गया तो कितना बचता? माइनस वन। देखो यहाँ पे माइनस रहा समझ जाओ, ऐसा डायरेक्टली कैंसिल कर दे सकते हैं माइनस में। हाँ ये साइड भी माइनस रहा था। अब क्या बचे हुआ है यहाँ पे? थ्री बचे हुआ है, थ्री उसके नीचे चले जाता, वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री। अभी कैंसिल करे थे अपन, इसके बाद जीरो लगा रहे अपन, जीरो पॉइंट से शुरू कर रहे। थ्री वन जा थ्री, थ्री जा नाइन, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो पॉइंट थ्री। यहाँ पे माइनस जीरो पॉइंट थ्री आया था, यहाँ पे प्लस जीरो पॉइंट थ्री आ गया। हो गया। नेक्स्ट क्या आया? फोर लेने का है, लेट एक्स इज इक्वल टू फोर। हाँ करेक्ट आ रहे ना पूरे वैल्यूज। Let x is equal to 4, 2 of 4, अब देखो 3 की जगह पे क्या लिख ले रहा मैं? Just 4 बदला रहा हूँ वहाँ पे, minus 3y is equal to 4, 2 4 जा 8, minus 3y is equal to 5, किसको भेजना first में? 8 तो right, minus 3y is equal to 5 minus 8, हो गया, minus 3y is equal to 5 minus 8 कितना होता? minus 3, minus 3. माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है, वो भी डायरेक्ट कैंसिल कर ले सकते, लेकिन आपका अभी उतना ज्यादा नहीं मैच्योर हुए बोल के वो डायरेक्टली कैंसिल लिख रहा हूँ मैं, बाई थ्री लिख ले रहा हूँ मैं। हाँ इसके नीचे थ्री, थ्री वन जा थ्री वन जा, आंसर क्या आया? वन हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्या है? एक्स इज इक्वल टू क्या ले रहे अपन? लेट एक्स इज इक्वल टू फाइव हो गया। लेट x is equal to 5 बोलो, 2 of 4 की जगह पे क्या लिख लेना? 5 लिख लेना। 2 of 5 minus 3y is equal to 5, 2 5 जा 10 minus 3y is equal to 5 हो गया। आप किसको भेजना वो साइड में? 10 को, minus 3y is equal to 5 minus 10, minus 3y is equal to कितना बचा? minus 5। ये minus get के आंसर y is equal to 5 by 3 फिर से कैंसिल करे तो क्या आता? अब भी करे अपन 5 by 3 यहाँ करे थे 1.6 आया था, माइनस आया था क्या आ रहा? प्लस 1.6 आ रहा, 1.6 लास्ट वाला कर लेंगे, 6 का भी लास्ट वाला कर लेंगे। लेट x is equal to 6, 2 of 6 minus 3y is equal to 5। देखो इधर 2 6 जा 12, 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 5 हो गया। अब देखो ये 12 किधर जा रहा था? वो साइड चले आता ना अपना, माइनस 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 12 हो गया। माइनस 3y बोले तो माइनस 3y इज इक्वल टू 5 में से 12 गया तो कितना बचा? माइनस 7, माइनस 7 फिर से माइनस माइनस आ गया, दोनों साइड कैंसिल हो गया। अब y इज इक्वल टू क्या आता? 7 बाई 3, 3 के टेबल में आता 7 नहीं आता, लेकिन 6 आता ना, 3 2 6,
3 बताओ, हाँ 3 के टेबल 3 वन जा 3 टू जा 6 बचा कितना 1 बचा, 3 के टेबल में 1 नहीं आ सकता, कौन सा भी वैल्यू नहीं आ सकती, उसके जगह क्या लगा लेते अपन यहाँ पे पॉइंट लगा लेते नंबर के बाद यहाँ पे 0, 3 के टेबल में 3 जा 9 हो गया 2.3। आगे ये हो गया आपका फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट हुआ, और एक बॉक्स भी बनाने का है अपने को, इसमें दो बॉक्सेस बनाना, उसके बाद ग्राफ आता आप, ग्राफ भी दो टाइप, एक ग्राफ में दो बार उतारने का रहता अपने को। आगे आगे डाउट है किसी को? नहीं नहीं है ना। अब और एक वाला यहाँ पे बना लेंगे अपन, इधर आ जाता ना पानी वैल्यू यहाँ लिख देना, 2.y = 2.3 हो गया। नेक्स्ट वाला बॉक्स बनाएंगे, क्या है बॉक्स? 4x - 6y = 15। हाँ फिर से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लेने का अपने को, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जिसको जिसको ये समझ में आया ना ये वाला कर लेते, जो 4x - 6y का कंपेयर करेंगे आंसर, किसको किसको सही आ रहे किसको नहीं आ रहे। 4x - 6y = 15। नया इक्वेशन, अब एक इक्वेशन कंप्लीट हो गया, 6 तक वैल्यूज लिया हमें, दूसरा इक्वेशन हाँ फर्स्ट वाला 0 का, 4x बोले तो 4 × 0 0 - 6y = 15। 4 × 0 0 याद है ना, देखो यहाँ पे बहुत जने गलती करते, 4 × 0 फिर से 4 लिख लेते हैं यहाँ पे, 4 × 0 0 ही होता आपका, 0 - 6y = 15 -6y = क्या आ रहा, 15 आ रहा, 15 आ रहा, माइनस क्यों आ रहा, वही है ना उन्हें। अब क्या आ रहा था, y = 15 - 6, 6 के टेबल में 15 आता नहीं आता, लेकिन 6 टू जा 12 आता ना अपने को, 6 टू जा 12 बचा कितना 3। फिर से जैसे 6 के टेबल में 3 आता नहीं आता, तो क्या करते हैं यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 6 के टेबल में 30 2.5 6 5 30, यहाँ माइनस से बचे इसको भी माइनस कर दो, -2.5। नेक्स्ट क्या है, अब अपना x = क्या लेंगे 1, तो काम बदल जाता है अपन, 0 की जगह पे 1 लिखने का है ना अपने को, 4 of 1 - 6y = 15, 4 1 4 - 6y = 15। तो क्या आ रहा है अपने को, 4 - 6y, ये 4 को किधर भेजते हैं अपन, फिर से वो साइड भेजना ना, फिर से -6y = 15 -4 -6y = 11 -6y ना, फिर y = 11 - 6 हो गया, वही सेम स्टेप जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसीलिए 6 के टेबल में 11 नहीं आता लेकिन 6 आता, 6 1 6 बचा कितना 5 बच गया, यहाँ पे यहाँ पॉइंट लगा ले रहे हैं पर यहाँ पे 0 लगा रहे हैं, 6 के टेबल में क्या बात है, 6 8 48 माइनस टेबल के माइनस -1.8। अब क्या है, x = क्या लेंगे 2, 4 of 1 की जगह पे क्या आता है मेरा 2, -6y = 15, 4 2 8 -6y = 15, -6y = 15 -8 हो जाता ना अपना, -6y = 15 में से 8 गया तो कितना बचता 7, 7 अब क्या आने का है, y = 7 - 6, 6 के टेबल में क्या आता, 6 1 6 बचा कितना 1 या पॉइंट या 0, 6 1 6 तो ये क्या है -1.1। गफ्फार इसके बाद के वैल्यूज बोलो, मैं डायरेक्टली पूरे वैल्यूज लिख ले रहा हूँ, बाकी का पूरा सेम रहता, टाइम लग जाता है, -0.5 - 0.5 - 0.1 - 0.8 0.1 0.8 कहाँ तक करे, 5 करे 6 नहीं करे,
0.8 करेंगे ग्राफ उतारेंगे अब अपन उसका, ये दो आ गए ना ये रफ कर दे रहा हूं, माइनस में नहीं है वैल्यूज के, माइनस में नहीं माइनस में ले लेना पूरे प्लस में ले लेते आपका 3 का 0.1 x = 3 4 of 3 - 6y = 15 देखो छोटी सी मिस्टेक अगर आप 0.5 की जगह 0.1 लिख दिए तो आंसर रॉन्ग हो जाता है। ये 6 वाला चेक कर लेंगे लास्ट वाले इसमें 6 तक ये बोल के इसमें भी 6 तक चेक करेंगे। यहां देखो x = 6 4 of 6 - 6y = 15 4 6 = 24 6y = 15 - 24 हो गया - 6y = 15 में से 24 गया था - 9 अब क्या है - -6 - 2 ना साइड आ गया - 6 6 के टेबल में 6 1 6 बच रहा कितना 3 रिमेनिंग 3 या 0 6 5 30 1.5 आगे सब वैल्यूज अब ये रफ करके अपन क्या करेंगे यहां पे रफ कर ले लो स्क्रीनशॉट किसी को लेना है या फोटो लेना है तो ले लो देखो अब ग्राफ ग्राफ लिख लेंगे अपन क्या है अपना एक्स एक्सिस ये वाला हो गया आपका वाई एक्सिस फिर से इसमें भी जो है सो एक्स एक्सिस में 2 3 4 6 लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को 1 2 3 4 ही लो यहां पे क्या लिया अपन 1 2 3 4 ही लिया ना एक्स एक्सिस में सेम 1 2 3 4 5 6 हो गया y एक्सिस की तो जरूरत ही नहीं है इधर के अपने को माइनस x एक्सिस की जरूरत ही नहीं है आपको प्लस y माइनस y की जरूरत है अपने को क्या है 1 2 या तो यहां पे अपन क्या है ग्राफ डालेंगे क्या है फर्स्ट जो है सो x एक्सिस ये वैल्यूज ले लेते हैं अपन y एक्सिस यहां पे क्या है पूरे वैल्यूज पॉइंट्स में है अपने को याद रखो अगर पॉइंट्स में रहे समझ जो वैल्यूज यहां पे भी अपन सेम पॉइंट्स में लिख लो अपना 0.5 1 1.5 2 2.5 लिख सकते हैं अपना लेकिन छोटा आता वो ग्राफ उससे अच्छा है सब 0.5 में लिख लिया तो आप लोग अच्छे से दिख गया था ग्राफ हो गया नेक्स्ट क्या है अपना 0 के पास क्या है -1.6 0 के पास -1.6 आ गया नेक्स्ट क्या है अपने को 1 के पास क्या है -1 के पास -1 नेक्स्ट क्या है 2 के पास में अपने क्या आ रहा -0.3 2 के पास -0.3 3 के पास क्या है 0.3 +0.3 है देखो 3 के पास +0.3 कहां है वो इधर नेक्स्ट क्या है अपने को 4 के पास 1 4 के पास 1 नेक्स्ट 5 के पास 1.6 5 के पास 1.6 नेक्स्ट क्या है 6 के पास 2.3 का है यहां हो गया स्केल से जॉइन करो ये लाइंस को अपना जो भी पॉइंट्स मिस हो जा रहे छोड़ दो जो पॉइंट कनेक्ट हो रहे वही पॉइंट्स को लो लेकिन कहां से स्टार्ट हो रहा वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करो यहां से स्टार्ट हो रहा ना हो गया और कहां पे एंड हो रहा यहां पे एंड हो रहा ना अपना तो यहां ऐसा मान लेते स्टेट हां स्टेट ऐसा मान ये बोर्ड पे जो ऐसा ग्राफ नहीं आ रहा जो पॉइंट्स असल में बीच में आ रहा है हां हां बीच में अगर बीच हां बीच में जो कनेक्ट ऐसा कनेक्ट नहीं हो रहा समझ जाओ ये लास्ट पॉइंट मेरा कनेक्ट हो रहा तो ये पॉइंट को ही छोड़ दो हो गया मार्क्स दे पाए वही छे मेन कांसेप्ट ये है इसलिए हटा दो तो मार्क्स नहीं ध्यान तो मैं करना हो गया नेक्स्ट वाला क्या है नेक्स्ट वाले ग्राफ में आओ 0 के पास क्या है -2.5 नेक्स्ट क्या है 1 के पास -1.8 1 के पास -1.8 था 1 के पास 1 के पास
हो गया। नेक्स्ट क्या है अपने को 2 के पास माइनस 1.1, 2 किधर है अपना यहाँ पे माइनस 1.1। नेक्स्ट क्या है 3 माइनस 0.5, 3 के पास माइनस 0.5। नेक्स्ट क्या है 4 0.1, 4 प्लस 0.1 है ना अपने को प्लस 0.1। 5 के पास क्या आ रहा है अपने को 0.8, 5 के पास 0.8। नेक्स्ट लास्ट क्या है 6 के पास 1.5, 6 के पास हो गया। फिर से जैसे स्केल से आप ना ज्वाइन कर लो लाइन, स्टार्टिंग कहां से है देखो। ये देखो ये 2 पॉइंट आउट कर छोड़ रहे हो गया। यहां से देखो जैसल में टच हो जाता है अपने को ग्राफ लीनियर बन के अपने को ऐसा हो गया। क्या रे ये दो लाइन से अपने को आगे जाके मिलते हो ना, नहीं मिलते ऐसे ही जाते हैं तो ये लाइंस क्या है आपके पैरेलल है ना, दोनों ट्रेन के पटरियों के साथ जो लाइंस दिख रहे हैं आपने उसके क्या बोलते हैं अपन पैरेलल बोलते हैं। और स्केल लिखना मत भूलना अपना स्केल एक्स एक्सिस देखो वन यूनिट कैसा भी रहता है इसमें हाँ वाई एक्सिस में भी सेम वन यूनिट इतना तो लिख लो आप ना। उसके बाद वन यूनिट में एक्स एक्सिस में क्या लिया अपन वन लिए एक्स एक्सिस में वन लिए बोलिए 1 सेंटीमीटर y एक्सिस में क्या लिया 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर माइनस y एक्सिस से क्या माइनस ये माइनस में भी है x एक्सिस पूरा x एक्सिस होता आपका ये y एक्सिस होता हो गया। इतना ही आपना इतना करे तो आप लोग इसके भी इजीली 8 मार्क्स आया था देखो सेम सेम रहता खाली कैंसिलेशन में थोड़ा मुश्किल होता होगा कैंसिलेशन टेबल आ गया तो अपना कैंसिलेशन कर ले सकते मस्त था।